गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एयरबैग और एसआरएस होता क्या है एंड किस लिए एक कार में इंस्टॉल क्या हुआ है। पहले हम जानेंगे कि एसआरएस का फुल फॉर्म क्या है। एसआरएस का फुल फॉर्म सप्लीमेंटल रेजिस्टेंस सिस्टम। ये एयरबैग्स ज़्यादातर पैसेंजर कार में मैग्नेटरी है और ज़्यादातर पैसेंजर कार में दो से एयरबैग स्टार्ट होता है। तो अभी जो कार में बैठा हूँ ये है हुंडई i20, इसमें दो ही एयरबैग आता है। तो कभी कभी किसी किसी गाड़ी में एयरबैग 6 या 7 भी आता है। चलिए पहले देखते हैं एक एक्सीडेंट कार में एयरबैग कैसे निकाला है। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाना चाहिए। आप लोग देख सकते हो इस कार में कितना बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और इसका एयरबैग भी निकल आया है। तो ये है इसका एयरबैग है। तो एयरबैग दो पैसेंजर का कवर करता है और ड्राइवर के साइड भी एयरबैग निकल आया है। आप लोग देख पा रहे हो जो एयरबैग का कैसा नतीजा पैसेंजर पर इफेक्ट पड़ता है। इस कार का हालात देखकर लगता है कि कोई नहीं मचा है, बट इसमें कोई नहीं मरा क्योंकि इसका जो एयरबैग था ये निकल के पैसेंजर एंड को ड्राइवर एंड ड्राइवर को सेव किया है। दोस्तों, जब एयरबैग निकलेगा तो उसी जो मटेरियल होता है वो मटेरियल होता है नायलॉन का, और उसका अंदर नाइट्रोजन फिल हो जाता है और नाइट्रोजन फिल होके आपका जो हेड है, आपका जो सर है वो बच जाता है। और पहले बात ये है, आपका जो सीट बेल्ट है, अगर वो सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया हो तो आपका एयरबैग शायद नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी सेंसर लगाया हुआ है कि एयरबैग के साथ सीट बेल्ट का कुछ कनेक्शन भी है। तो दोस्तों, एयरबैग को पता कैसे चलता है कि अब निकालना है, उसके लिए आपका जो फ्रंट चेसिस से उसके साथ एक स्क्रैच सेंसर लगा रहता है। अब अगर आपने 50+ या 60+ स्पीड में जाके एक्सीडेंट किया हो तो उसी सेंसर के थ्रू इश्यू में एक खबर भेज देता है, यानी इश्यू के थ्रू जो वाला खबरी वो भेज देता है एयरबैग के पास, और एयरबैग उसी टाइम खोल जाता है और उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो भर जाता है और नाइट्रोजन कुछ ही सेकंड में फिर वो बाहर निकल जाता है। जब आपको क्रॉस कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम वो बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, जिस गाड़ी में एयरबैग नहीं होता है उस गाड़ी का ड्राइवर या को ड्राइवर दोनों इंजरस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी मर भी जाता है, लेकिन जो एयरबैग निकलता है इसी से वो थोड़ा बहुत इंजरस हो जाता है लेकिन वो नहीं मरता। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।